बैक टू माय चैनल नीलूस क्लासरूम और कुछ नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बनाने जा रहे हैं कैपिटल लेटर्स, वो भी कर्सिव कैपिटल लेटर। तो कर्सिव कैपिटल लेटर बनाने के लिए इस तरीके की चार लाइन की फोर लाइन वाली आपको कॉपी की ज़रूरत है। ना हो तो प्लेन कॉपी जो होती है टू लाइन, उसमें आप फोर लाइन बीस से स्केल से या वाइट पेज में इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। फोर लाइन की नोटबुक में आपको बनाने में कर्सिव सीखने में बहुत ही इजी पड़ेगा, इसलिए इस तरीके से आप फोर लाइन बना लीजिए। देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, उसी में इस तरीके से छोटे छोटे चारों लाइनों में डॉट्स बनाने हैं। ये डॉट्स किस काम आएंगे, आपको कर्सिव लेटर लिखने के लिए, आपको यहाँ पे कर्सिव लेटर लिखने के काम आएंगे ये डॉट्स, जिससे आप इजीली कर्सिव लेटर लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए, ये देखिए कुछ लेटर्स होते हैं जो पूरे चार लाइन यूज होती है जिनमें, और मोस्टली में तीन लाइन। तो इस तरीके से इस डॉट पे उठाना है और ऐसे लेके जाना है, ऐसे, फिर ये मिडिल वाले पॉइंट से ऐसे इस पॉइंट पे जोड़ते हुए ऐसे, ये हो गया कैपिटल ए। उसी तरीके से ये ऊपर वाला पॉइंट उठाया बी के लिए, ऐसे इस पॉइंट पे जोड़ा, इस पॉइंट पे जोड़ा, ये मिडिल वाला पॉइंट जोड़ा और ये लाया ऐसे, ये हो गया बी। फिर ये इस पॉइंट थर्ड लाइन के लास्ट पॉइंट को उठाया, ये हो गया सी। अब सीधा ये लेके आए, ऐसे टर्न किया, ये जो डॉट है इस पे लेके गए, आगे वाले डॉट से ऐसे मिलाया और ये अंदर अंदर वाली डॉट की तरफ इसे आगे बढ़ाया, ये हो गया डी। सिमिलरली ये मिडिल वाले जो पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा, ये मिडिल वाले पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है, ये और ये हो गया ई। एफ के लिए ये जो बीच वाला पॉइंट है बस इसके पास से ऐसे, और ये सीधा ही होगा एफ। अब जी के लिए, जी फोर लाइन यूज होता है जी में, तो उसके लिए हमें ये तीसरी लाइन से, ये जो ये ऐसे तीन लाइन गई है उससे ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे, बन गया हमारा जी। एच के लिए यहाँ से लाइन उठाइए ऐसे, तीसरी लाइन सेकेंड लाइन के मिडिल पॉइंट, फिर ऐसे ऐसे और ये आके इस पॉइंट तक जोड़ दीजिए, ये हो गया एच। आई के लिए ये जो है पॉइंट मिडिल का, इसे लेना है, इस पॉइंट पे जोड़ना है, इस पॉइंट पे लेके आना है और ये आई, जे जे को भी आई के जैसे बनाना है, बस यहाँ पे फोर लाइन को यूज करना है। तो जो जे है उसमें फोर लाइन यूज होती है, सेम आई के जैसे ही इसे लेके जाना है, बस इसे
नीचे की लाइन तक लेके आना है। आई जे देन के, के के लिए मिडिल की लाइन उठानी है और ऐसे, फिर इस पॉइंट पे ऐसे और नीचे वाली पॉइंट पे ऐसे, तो ये बन गया के। अब देख सकते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और के कितने ईजिली हमने डॉट्स के मदद से बना लिए। अब हमें बनाना है एल। एल तो एल तीन लाइन में बनता है ऐसे, यूं लेके आइए, फिर इस पॉइंट पे मिलाते हुए इस पॉइंट पे, ये हो गया एल। एम बनाने के लिए ये जो पॉइंट है तीसरा, यहाँ से शुरू करिए, ये मिडिल वाले पे लेके जाइए, उस मिडिल से इधर, फिर इससे इधर और ये इधर टेढ़ा बीच बीच के एम, और सेम वैसे ही इधर से उठाते हुए ये और फिर इधर ये हो गया एन। अब ओ के लिए ऐसे पॉइंट, ऊपर वाला पॉइंट लीजिए, फिर ऐसे ऐसे और ऐसे ओ। अब हमें पी बनाना है, पी के लिए ये तीन पॉइंट और ये फिर बगल वाला पॉइंट, उसे कवर करिए और ये जो पॉइंट है इसे जोड़ते हुए बना लिए पी। फिर क्यू बनाना है, क्यू बनाने के लिए सेम ओ बनाना है हमें पहले, ऐसे जोड़ते हुए ऐसे, और यहाँ से इस पॉइंट से हमें इस पॉइंट से ऐसे करके ये जो बाहर है पॉइंट वहाँ तक ऐसे ले जाके जोड़ देना है, तो ये हो गया Q। फिर हमें R बनाना है, R बनाने के लिए जैसे हमने P बनाया था सेम वैसे ही बनाना है, R बनाने के लिए जैसे हमने P बनाया था ऐसे करके वहाँ तक जोड़ना है, ये P बनाया सेम ऐसे ही, बस इस पॉइंट से ये जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर आपको ये इस तरीके से आर बनाना है। आर के बाद एस, एस बनाने के लिए इस पॉइंट को, इस पॉइंट को ये बीच से, ये जो बीच लाइन दिख रही है ऐसे लेके जाना है, फिर ये उसकी बगल वाली पॉइंट पे लेके आना है, फिर बीच पॉइंट से लेते हुए ऐसे गोल करके लाते हुए इस पॉइंट पे जोड़ देना है, तो ये बन गया हमारा एस। अब टी हमें बनाना है जैसे हमने एफ बनाया था, इस पॉइंट से लेकर ऐसे और ये इस पॉइंट को जोड़ दिया, तो ये हो गया एस टी। एक बार फिर से देखते हैं जो अभी हमने बनाया, ये एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, टी देखा आपने, अभी टी के बाद
यू बनाने के लिए यू जो है वो भी तीन लेगा। उसके लिए भी आपको ये मिडिल वाले जो है इससे और इस पे इस तरीके से ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे बन गया हमारा यू। यू के बाद वी, ये भी तीन लाइनों में बनाना है। इसे भी इस तरीके से उठाना है और ऐसे इसे ऐसे टेढ़ा करते हुए ये, तो ये हो गया हमारा वी। उसी तरीके से W भी तीन लाइन में बनेगा और हमें W में भी सेम ऐसे उठाइए, जैसे ये U और W V बनाया था, बस ऐसे और ऐसे हो गया W। अब हमें X बनाना है, X भी तीन लाइन में बनेगा, तो ये जो मिडिल है यहाँ से इस पॉइंट को लेते हुए ये, और सिमिलरली इस पॉइंट को लेते हुए ये, तो हमारा बन गया X। वैसे ही बनेगा Y, Y में फोर लाइंस यूज होंगी, Y में फोर लाइंस यूज होंगी और Y में ये जो पॉइंट है फर्स्ट वाला, सेकेंड लाइन का फर्स्ट ऐसे इस पॉइंट से जो इसका यू शेप है वो थर्ड लाइन तक जाएगा और सीधा स्ट्रेट लाइन से होते हुए इस पॉइंट पे आएगा और इस पॉइंट से होते हुए इस पॉइंट पे जाके मिल जाएगा। तो ये हमारा बन गया वाई। अब लास्ट जेड, ये भी फोर लाइन यूज होती है इसमें, इसमें भी सिमिलरली आपको ये फर्स्ट वाला पॉइंट जो है सेकेंड लाइन का, ये सेकेंड लाइन का जो ये पॉइंट है इसे ऐसे लेना है और सीधा इस पॉइंट पे आना है थर्ड लाइन के इस पॉइंट पे। देन अगेन जो ये पॉइंट है इसे मिलाते हुए यहाँ और ये पॉइंट जो है जाकर वहाँ पे जॉइन कर देना है। तो इस तरीके से आप बहुत ही इजी वे में बना सकते हैं कर्सिव। तो आपको पता होगा कि आपको किस पॉइंट से कहाँ पे जॉइन करना है। ये देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू X, Y, एंड Z। तो इस तरीके से हम लिखते हैं कैपिटल कर्सिव लेटर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।